हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक टॉपिक हम लेंगे और साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में मैंने bsiacademy.blogspot.in पर काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उनको जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप, आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई आल्सो क्वालिफाइड सीएसआईआर एग्जाम एज अ जेआरएफ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम। आई आल्सो क्वालिफाइड सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम एज अ जेआरएफ 3 times एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पेपर नंबर 1 में है हमारे, और इसके अंदर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एक पार्ट है रिसर्च मेथड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। रिसर्च मेथड्स जो हम लेंगे ये एक्चुअली में हमें डेटा कलेक्ट करने के में हमारी हेल्प करता है डिफरेंट रीजंस मेथड से। तो जो हम इसमें जो मेथड्स को देखेंगे वो केवल 4 हैं, और इसके साथ अलावा और भी बहुत से मेथड्स होते हैं, बट हम उनको नेक्स्ट किसी क्लास में मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इसके अंदर हम सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंडरी एनालिसिस, इन 4 टॉपिक को देखेंगे कि ये सारे के सारे ये डेटा कलेक्शन करने के तरीके होते हैं और इसके अंदर क्या क्या वे से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें चेकआउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले सर्वे। तो सर्वे अगर आपको देखा जाए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सर्वे मीन्स एक तरह का एक डेटा कलेक्ट करने का तरीका जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन में से पर्टिकुलर एक सैंपल साइज को निकाल लेते हैं और जो इंटरेस्टेड सैंपल की जो पॉपुलेशंस होती है उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सैंपल साइज जो होता है वो हमारी हेल्प करता है क्वेश्चनर को डेवलप करने पर, और साथ में जो वो क्वेश्चनर को जब हम डेवलप करते हैं जो पार्टिसिपेंट इसके जो ऑब्जर्वेशन को फिलअप करते हैं उसको हमारा ये डेटा बनता है। एक तरह से आपने देखा होगा कभी कभार आपने कहीं पर जा रहे हैं और सड़क पर या कोई कहीं पर एक डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके सामने कोई भीड़ 2-3 सर्वे वाले आपके सामने मौजूद है, वो आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर क्वेश्चनर देते हैं, उसको आप फिल करते हैं और अल्टीमेटली उसी को हम सर्वे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सर्वे से जो होता है एक तरह से डिफरेंट एक लार्ज नंबर के पीपल्स को हम इसमें गैदर कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है सर्वे एट टाइम डिफरेंट लोगों के पास जा सकता है। अभी आपने कभी काफी बार देखा होगा कि जिसमें कभी कभार आपको ईमेल्स पे भी सर्वे फिल करने के लिए आता है, तो एक तरीका है ये सर्वे के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करने का तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ भी इसमें हम क्वेश्चंस को आंसर्स का जो देते हैं उसको हम डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम मे और मे नॉट भी आंसर, मतलब काफी तरीके से हम उसको आंसर दे सकते हैं। हो सकता है उसमें कभी कभी होता है कि ये आपके लिए क्वेश्चन जरूरी है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है सर्वे, और सर्वे जो होता है इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जरा इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो इसके एडवांटेज है, जो पहला एडवांटेज है कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, जो बिग पॉपुलेशन है, इसको हम इस सर्वे के माध्यम से क्वेश्चनर को फिल कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन बी सर्वेड विद द क्वेश्चनर्स एंड डेटा कैन बी क्वांटिफाइड और कंपैरिजन अमंग ग्रुप्स कैन बी मेड। यानी हमें देखा जब हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब हम इसको एनालिसिस करते हैं तो इसके जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसको हम आराम से इसके उस पर हम डिफरेंट जो टूल्स हैं उसको आराम से लगा सकते हैं और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके साथ में जो डिफरेंट मेजर्स कैन बी टेकन एट डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब है, यानी आज कोई आपने सर्वे देखा और उसके बाद हो सकता है उस सर्वे आपने 2 महीने बाद एक और सर्वे हमने निकाल लिया, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट जो हमारे जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन है उससे हम डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर द एडवांटेज। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज जो सबसे मेन जो उसका एडवांटेज है कि हो सकता है बहुत से जो पॉपुलेशन जो आपने सैंपल साइज जो लिया है वो उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हो जो कि मतलब जिससे आप फिल कर रहे हैं दे आर नॉट वेरी मीन्स रिस्पॉन्डिंग, मीन्स जो उनका जो आंसर है वो हो सकता है कि उस समय वो काफ़ी वो बहुत लेजी वे में उन्होंने उस रिस्पॉन्स उसको सर्वे को फिल कर दिया, तो उससे जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी गलत आंसर प्रोड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, और सर्वे डू नॉट लीव रूम फॉर आंसर डेट मे और मे नॉट फिल एट द स्टैंडर्ड कैटेगरी। ओके, ये भी एक इसका रीजन है, और रिस्पॉन्स रेट मे भी लो। हो सकता है बहुत से जो आपने काफी बार देखा होगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने भी आते हैं तो आप उनको बहुत लाइटली लेते हैं और उसमें जो आपका रिस्पॉन्स रेट होता है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। रिस्पॉन्स रेट का मतलब है यहाँ से कि जो आपने जो जो आपने जो
जिसके से फिल करा रहे हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ सेकंड जो मेथड है मैंने बताया था जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस में हम जो जो सैंपल साइज हम लेते हैं लोग सैंपल साइज में से एक पर्टिकुलर ग्रुप में से सैंपल साइज कलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम क्वालिटेटिव रिसर्च से के जो क्वेश्चंस होते हैं डेटा कलेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह का जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस जो मेथड यूज होता है वो मैक्सिमम जो आपने देखा होगा सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये हमारी बहुत हेल्प करता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और इसके अंदर रिसर्च एंडिंग ग्रुप एक्टिविटीज ऑब्जर्विंग ग्रुप मेंबर्स आर एंगेज इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी हम क्या करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को या काफी सारे पीपल को एक साथ बिठा लेते हैं और उनसे हम डायरेक्ट इंटरव्यू टाइप का हम क्वेश्चन फिलअप करते हैं, यानी वो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमारे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से हम उसमें से उनके जो जवाब होते हैं उनके डायरेक्ट जो जवाब होते हैं उनके जवाब को हम अपने क्या कहते हैं क्वेश्चनर अपने जो रिसर्च है उसमें उनके आंसर्स को फिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका और भी जो काफी जो पॉइंट्स देखे हैं तो दिस रिसर्च मेथड इज जनरली यूज्ड टू स्टडी रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी क्योंकि जो हमारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती इस केस में, तो हम केवल स्मॉल ग्रुप्स को ही ले सकते हैं इसके अंदर। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन डिपेंड फॉर इट सक्सेस ऑन द रिलेशनशिप दैट डेवलप बिटवीन द रिसर्चर एंड रिसर्च पार्टिसिपेंट, यानी जो हमारा जो सक्सेस होती है हमारे रिसर्च पे वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रैपोपोर्ट है हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट से वो कैसा है, यानी एक तरह से इट इज अ रिलेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड रिसर्च पार्टिसिपेंट, यानी उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे कितना अच्छा है, अगर अच्छा है तो ही में भी मतलब वो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है वो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस का है आंसर बहुत अच्छी से देगा और ईमानदारी से देगा। तो जरा इसके एडवांटेज देख लेते हैं, तो इसके जो एडवांटेज हैं जरा हम देखें तो एक तरह से जो हाइपोथेसिस और थ्योरीज जो हम डेवलप करते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं उसको हमें इनके रिस्पॉन्स से देखने को काफी मिलता है। और इट अलाउ पीपल टू ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट्स, यानी कोई एक ऐसा नहीं है कि हम कई अलग तरह का लेबोरेटरी सेटअप हम अपने सामने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली में जो हमारे जो पीपल होते हैं उन्हीं को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बुलाकर उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। और एक तरह से जो स्टूडेंट जो हमारी जो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है किसी भी पीपल को समझने में वो हमें इसको समझने में बहुत आसानी देती है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जैसे कि मैंने बताया आपको फाइंडिंग्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट टू रिसर्च बायस, यानी हो सकता है कि एक किसी रिसर्चर ने कोई क्वेश्चन पुट किया और रिसर्च जो सामने वाला जो पार्टिसिपेंट है उसको क्वेश्चन को बहुत एक अलग नजरे से देखता है और उसको जो आंसर देता है बहुत अलग नजरे से देता है, तो हो सकता है वो हमारी रिसर्च के जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो भी हमारी मतलब हम उसको क्या समझ रहे हैं और वो हमारे क्वेश्चन को क्या उसका क्या मतलब समझ रहा है, तो दे में इट कैन बी वेरी, तो वो हमारी रिजल्ट्स में बहुत एकदम नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और रिसर्चर में हैव एन अनइंटेंडेड इन्फ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट, यानी क्वेश्चन रिसर्चर ने भी क्वेश्चन पूछा जो हमने जो पार्टिसिपेंट है उसने उसका मीनिंग अलग निकाला तो ये भी हमारा इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारी रिसर्च पे। और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि आपको एक एक पार्टिसिपेंट को आपको पर्सनली डील करना पड़ेगा जिससे आपका जो टाइम है इट मे बी वेस्टेड। ओके, नाउ रिजल्ट्स मे बी डिफिकल्ट टू रेप्लीकेट, तो ये भी एक इसका डिफरेंट एक रीजन है डिसएडवांटेज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से ही नाम पता पड़ रहा है जैसे कि आपको अपने रिजल्ट्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाना पड़ेगा अपनी लेबोरेटरी में या फिर एक ऐसी जगह पर जहां पर आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, तो इट दीज एक्सपेरिमेंट विल हेल्प अस टू सपोर्ट और वैलिडेट अवर हाइपोथेसिस। और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट का एक सिनेरियो प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम एक ऐसा स्टेटमेंट देखते हैं जिससे हमारा कॉज होता है और क्या हमारा उसका इफेक्ट होता है इसको भी हम मेजर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट वेरी इन गोल स्केल बट ऑलवेज रिलाई ऑन रिपीटेबल प्रोसेस एंड लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, यानी जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स का जो गोल होता है इट कैन बी वेरी बट जो हम जो उसका यानी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे एक तरह से क्या हमने एक्सपेरिमेंटल का एक तरह से सेटअप क्रिएट किया, यानी जो हमारा एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो बताएगा हमें, यानी वो उस पर हम बहुत डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के हमारे रिजल्ट्स देता है। एन इन्वेस्टिगेशन इन विच द वेरिएबल्स मीन स्टडी आर वेरिएबली स्टडी आर कंट्रोल। ओके, नाउ मीन्स एन इन्वेस्टिगेशन इन विच द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड आर कंट्रोल, यानी जो वेरिएबल्स हम लेते हैं
वो एक तरह से कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं आगे के हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे देखेंगे। तो रिसर्च ऑब्टेन द रिजल्ट थ्रू प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, और इसमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो मोस्टली बहुत प्रिसाइज होते हैं और मेजरमेंट बहुत क्योंकि बहुत एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो हमारे ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट्स आर अट्रैक्टिव मींस ऑफ डूइंग रिसर्च बिकॉज जो आप जो टेक्निकल जितनी भी रिसर्च होती है उस टेक्निकल रिसर्च को करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट सेटअप की जरूरत पड़ती है। सो ऑल द टेक्निकल स्टडीज विच आर डन बाय द रिसर्चर्स डेफिनेटली यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स। Now, इसका एडवांटेज, तो एडवांटेज है कि वेरिएबल्स कैन बी आइसोलेटेड एंड कैन बी कंट्रोल्ड। क्या होता है इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। एंड इट दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड्स हैव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट इज इजी टू रेप्लीकेट। इजी टू रेप्लीकेट का मतलब होता है कि रेप्लीकेट से मतलब हमारा ये अभी पिछले भी उसमें आता है मेथड्स में, तो उसमें जैसे हमने पढ़ा था पार्ट्स में ऑब्जर्वेशन में कि इसके उनको रेप्लीकेट करना मुश्किल था, बट इस केस में इसको रेप्लीकेट करना आसान है। रेप्लीकेट से हमें मतलब ये है कि सपोज करिए आपने एक टाइम पीरियड पर एक रिजल्ट निकाला और हो सकता है आपको उसकी रिजल्ट को निकालने की जरूरत पड़ रही है आगे कुछ समय बाद, तो उस रिजल्ट को आप आराम से रेप्लीकेट कर सकते क्योंकि All these results are same. तो क्योंकि आपने सेम सेटअप यूज किया है तो सेम ही सेट आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, जो आपने पार्टिसिपेंट यूज किया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका जवाब अलग हो सकता है अगले आज से करीब एक महीने बाद वो आपको एकदम डिफरेंट सेट्स ऑफ आंसर दे। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ रेप्लीकेशन। नाउ डिसएडवांटेज क्या है इसका जरा हम देखें। तो लेबोरेटरी सेटिंग क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल सोशल एनवायरनमेंट। एक्चुअली में जो हम एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप हम यूज करते हैं अपने मेथड में, दीज आर जस्ट लाइक आर्टिफिशियल सोशल एनवायरनमेंट होता है एक तरह से। ये डिसएडवांटेज है किसके लिए, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी और हिस्टोरिकल जो रिसर्च हम करते हैं उसके अंदर। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम एक लेबोरेटरी में एक ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं जिससे हम मतलब एक्चुअली में वो एक एनवायरनमेंट होता है, एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं, एक्चुअली में वो लेबोरेटरी एनवायरनमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और द स्टडी हैज टू बी लिमिटेड टू अ फ्यू वेरिएबल्स, यानी हम इसके अंदर जो वेरिएबल्स सेट करते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि हो सकता है वेरिएबल्स क्या है आगे वीडियो में देखेंगे, बट वेरिएबल्स यहाँ पे अभी आप समझे कि एक ऐसे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जो समय के साथ वेरी होते हैं। एक मैंने आपको लेमैन में इसका डेफिनेशन दे दिया, बट तो इसमें हम जो ऐसे एट्रीब्यूट्स हम जो यूज करेंगे वो बहुत लिमिटेड होते हैं और मोस्ट थिंग्स सोशलिस्ट, ये यहाँ पे सोशलिस्ट से यानी इट इज डिसएडवांटेज फॉर द सोशलिस्ट क्योंकि सोशलिस्ट जो होते हैं सोशलिस्ट आपने देखा होगा सोसाइटी में हम कुछ ऐसी क्या कहते हैं ऐसी सोसाइटी में हम जो रहते हैं सोसाइटी के अंदर हमें कुछ ऐसी प्रणाली यूज करनी पड़ती है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उसको हम पहले लेबोरेटरी में सेट करते हैं, लेबोरेटरी में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले लेबोरेटरी में हम उसको टेक्निकल सेटअप को बनाकर हम उसको उस पर रिसर्च करते हैं तब जाके हम उसको यूज कर पाते हैं। तो हम सोशलिस्ट जो होते हैं एक लेबोरेटरी में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एक तरह का डिसएडवांटेज है क्योंकि एक्चुअल में ये रियल एनवायरनमेंट तो नहीं होता है। नाउ द सेकेंडरी एनालिसिस से मतलब है कि हम अपने रिसर्च में या अपने एक्सपेरिमेंट में वो डेटा को यूज करें जो पहले किसी ने वो डेटा को यूज किया था, यानी डेटा जो है हमने खुद क्रिएट नहीं किया, एक्चुअली हम किसी सेकेंडरी पर्सन से हम इसको उसके डेटा को यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। तो दी सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू डेटा दैट वाज कलेक्टेड बाय समवन एल्स अदर देन द यूजर, यानी किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया है हम उसको जस्ट लाइक अ सेकेंडरी पर्सन यूज कर रहे हैं। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा जो होता है हम किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट आदमी से हम या किसी रिसोर्स से उस डेटा को हम यूज करते हैं, यानी किसी एक प्राइमरी आदमी ने उस डेटा को कलेक्ट किया, हम जो होते हैं एज अ सेकेंडरी उसको हम केवल यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एनालिसिस एंड प्राइमरी एनालिसिस। ओके, तो कॉमन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में भी इंक्लूड सेंसिस, यानी जो सेंसिस का डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या फिर डेटा कुछ ऐसा हो सकता है जो कि डिफरेंट रिसर्च पर्पस में यूज हुआ हो, यानी हो सकता है कि किसी एक दूसरी रिसर्च में वो यूज हुआ हो और आप उसको किसी सेकेंड रिसर्च में यूज करना चाहते हैं। तो एक तरह से सेकेंडरी एनालिसिस का मतलब ये है कि डेटा किसी और ने गैदर किया बट आप उसको एज अ यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह रिसर्चर जो डेटा को खरीदते भी हैं, यानी रिसर्चर जो होते हैं वो डेटा को किसी सेकेंडरी प्राइमरी सोर्स से खरीदते हैं।
इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपको डेटा गैदर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट विल सेव योर टाइम मनी, और इसमें आराम से एक नई स्टडी को क्रिएट कर सकता है बिकॉज इसमें टाइम और मनी का वेस्टेज नहीं होता है. ओके, वेस्टेज नहीं होता है और यूजफुल फॉर कलेक्टिंग और एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डेटा. हिस्टोरिकल डेटा और लॉन्गिट्यूडिनल डेटा जो होता है उस तरह की जो स्टडी होती है उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है. ये लॉन्गिट्यूडिनल डेटा क्या होता है जरा हम आगे देखेंगे, बट हिस्टोरिकल मतलब जो कि पास्ट की जो कोई ऐसी हम रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम क्या कहते हैं प्रेजेंट में उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो उसको आराम से हम उस समय के डेटा को ले सकते हैं. अब इसका जो डेटा डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज सबसे बेकार डिसएडवांटेज ये है इसका कि डेटा में भी फ्लॉड मींस मे बी इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि डेटा तो आपने करेक्ट किया नहीं है बट आप केवल इसको यूज कर रहे हैं, तो उस रिसर्चर ने जिसने वो डेटा गैदर किया किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा गैदर किया था आपको तो पता नहीं है, तो डेटा मे बी फ्लॉड और मे बी रॉन्ग और डेटा मे बी नॉट बी सुटेबल फॉर द करंट स्टडी. हो सकता है ये डेटा किसी और स्टडी के लिए यूज किया गया और लिया गया हो और आप उसको किसी और स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट मे बी जो आपकी जो करंट स्टडी है हो सकता है वो उसमें आपकी हेल्प ना करें. ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक को हमने इस बार देखा और मैंने कोशिश करी है बहुत ब्रीफ में आपको सब समझाने की. काफी समय से मैंने इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया इस चैनल पर, BS Academy चैनल पर, बट ऑलमोस्ट 2 months हमें हो चुके हैं, बट अब क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं UGC नेट के लिए, तो मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं हर दिन 1 या 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ सो दैट आप उसको आराम से स्टडी कर सकें. अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है आपको, यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com. ओके स्टूडेंट्स, और साथ में मैंने bsacademy.blogspot.in का एक ब्लॉग भी क्रिएट कर दिया है, तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल आपको आराम से इसकी PDF या वर्ड्स में आपको आराम से इसमें मिल सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.